हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी मैं नहा के रेडी हो गई, तो अभी मैं रील्स बना रही थी, तो आप अपनी ईशा ब्लॉग पे जाके जरूर देख लीजिएगा। और अभी देखिए, एक बजने पर है, तो अभी बहुत गर्मी का मौसम है। मैं आपको दिखा, तो देख सकते हैं अभी का मौसम कितना अच्छा है। ना ही थोड़ा धूप है, ना ही उतना ठंडी है। तो अभी देखिए, ये केला का पेड़, पूरा इलाका देख सकते हैं कितना अच्छा है। थोड़ा बादल लग रहा है कि बारिश हो सकती है, तो मैं अभी बाहर चलती हूँ। ये देखिए अभी बाहर का मौसम। तो आज मैं फिर से आपको एक न्यू जगह पर लेने जाने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे जंगल हैं, तो आगे आगे चलते हैं। यहाँ पे हरे भरे घास हैं जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे नारियल का पेड़ है, यहाँ पे इस अंदर नाला है जिसमें से पानी बहुत ही अच्छा जा रहा है। आप देख सकते हैं उधर से आ रहा है पानी, और इधर से भी रास्ता है, और यहाँ पर भी एक नाला है, बहुत ही पुराना नाला है ये। तो देखिए यहाँ पे नाला में से इधर से भी पानी आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे गंदे पत्ते गिर रहे हैं, तो उस पार चलते हैं। ये सब उधर से समंदर से पानी आ रहा है, आप देख सकते हैं, मैं देख रहा हूँ मुझे नहीं। तो आगे आगे चलते हैं। ये देखिए घर कितना पुराना है गाइस, इसमें पूरे जंग वगैरह लगे हैं। तो देख सकते हैं कितना सारा जंगल है। हम फिर से वही झूला के आ पाए हैं, और यहाँ पे देखिए कितना एल्फर है। वो मेरा भाग गया है कुएं, उधर कुएं के अंदर जा रहा है शायद। तो देख सकते हैं कितना खतरनाक जंगल है, और यहाँ पे मैं और भाई कुएं को देख रहे हैं कि वहाँ बहुत पुराना कुआं है। और आप देखिए कि कुआं में कितने गंदा पानी है, और ये कितने सारे गंदे पानी हैं, आप देख सकते हैं। आगे आगे चलते हैं, मैं दिखाती हूँ, वहाँ पे भी पानी आ रहा है समुद्र के इधर से, आप देख सकते हैं। और उधर जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पानी का झरना आ रहा है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं पूरे पानी का झुंड आ रहा है एक साथ। और मैं और मम्मी, ये देखिए कितना घर पुराना है ये। तो ये देखिए कुआं कितना गंदा है पानी इसमें, और मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। और ये कितना खतरनाक जंगल है, इसमें खाली पत्तियाँ हैं, और जाने में बहुत डर लग रहा है। वहाँ पे मम्मी और छोटे रुके हैं, और यहाँ पे देखिए हरे भरे घास। यहाँ पे ये फुटबॉल का वैसे प्लेस है, लेकिन अभी फुटबॉल का प्लेस नहीं हुआ है। और ये देखिए घर है, वही घर है जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। और ये देखिए पूरा कितना जंगल है, उस गेट के इधर है। और अभी धूप भी देख सकते हैं हम छाई के अंदर में। आओ मेरे भाई खिड़की में से कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं और मेरा भाई उस घर को चेकिंग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं और मेरा भाई इधर उधर देख रहे हैं, घर की तलाशी ले रहे हैं। मक्खी इधर उधर मुझे परेशान कर रही है। और इस खिड़की को भी देखिए कितना पुराना खिड़की है घर में। और यहाँ पे देख सकते हैं जंगल, यहाँ पे मेरा भाई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है देखने के लिए इसके ऊपर क्या है। तो ये मुझे हाई बोल रहा है। और नीचे देखिए कितने सारे पत्तियाँ गिरे हुए हैं, और वो हरा भरा कस कितना अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि शायद बारिश होने वाली है अभी। और यहाँ पे फूल देखिए, पर्पल कलर के फूल हैं, तो इस फूल को मैं तोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे हर एक फूल पसंद है। ये देखिए पर्पल कलर का फ्लावर है, तो एक ही फूल को जिसमें पूरा अच्छा लगा है मैं उसको तोड़ रही हूँ। देखिए कभी धूप आ जाता है, कभी ठंडी आ जाती है। और ये देखिए ऊपर कितना खतरनाक खतरनाक जंगल है। और मैंने सभी फूल को तोड़ लिया, ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है। मैं बाबा टीचर से पूछ रही हूँ, और फाइनली मैंने इतने सारे लिए हैं, मुझे और भी लेने थे। वाइट कलर के एक ही दो थे, तो मुझे तो एक
कुछ ही कुछ व्हाइट कलर मिले हैं। और आपको कैसे लग रहे है गुच्छा? और ये देखिए, इतने सारे मैंने गुच्छे को ले लिया है। अब तो मैं यहाँ पे देखिए ये पेड़ कितना अच्छा लगा। यही रही आज की ब्लॉग।